हमने यहाँ पे ना ये देखोगे जो ओरिजिनल ट्विटर आता है सैश, हमने वो लगाया इधर भी, ठीक है। और सारी अंदर की जो कवर होते हैं भाई, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, बहुत गहराई हूँ मैं अपनी गाड़ी पे काम कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। इमोबिलाइजर आता है ना, वो मेरा फॉर्च्यूनर का पुराने वाले मॉडल का लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे भाई पुश बटन स्टार्ट लगाना है, इसलिए मैंने अभी इसको खुला छोड़ा हुआ है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। भाई स्वागत है आपका एक और बढ़िया सी वीडियो में। भाई आज तुम्हारा भाई जा रहा मैं अपनी फॉर्च्यूनर की प्यारी सी शक्ल तो बन चुकी है, अब अपनी भी बना लें, क्योंकि अपने हाल बुरे हो रहे हैं भाई, इतने सारे मतलब हाल यार, दाढ़ी बाड़ी ये वो फलाना ढिमगाना, काम में फंसे रहते हैं ना, तो काम में फंसे यार अपने ऊपर ना ध्यान नहीं दिया जाता। तो बात यही है, मैं कहा चलो भाई अपनी भी शक्ल से सुधारवा लें। पर एक बार भाई गाड़ी को लगाता हूँ यहाँ पर और चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। ये है भाई शिवम भाई की क्लासिक, क्या चीज़ है यार, स्कॉर्पियो भाई, स्कॉर्पियो को कोई तोड़ नहीं है, पर फॉर्च्यूनर भी फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर को कोई तोड़ नहीं है भाई, जो बात है। ये देखो, ये नहीं होता फॉर्च्यूनर में इतना ना, इतना बॉडी रोल। तो मैंने कहा यार अपनी गाड़ी भी निकाल ली जाए दूसरी, यहाँ पे खड़ी करते हैं। यहाँ भाई शिवम भाई की गाड़ी की सर्विस भी चल रही है अपनी थार की, इसको यहाँ खड़ी कर दूंगा और मैं लेके जाऊँगा पोलो, घर जाना है, शक्ल वकल बदल के आनी थोड़ी, है कि नहीं, आगे के लोग बढ़िया कर रहे हैं ना यार। भाई देखो, स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन फॉर्च्यूनर के साथ कितना डेडली लगेगा। अभी तो ये थार के साथ चलता है, बाकी भाई यही सिस्टम है भाई। अब चलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी लेने। ये देखो भाई मिट्टी में हाल देख लो कैसा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी भरी पड़ी है ना, गांव वाला इलाका है थोड़ा सा, ये बातचीत है, समझ रहे हो। ये भी चलता फिरता रहता है, ये भी देखना हमें, इससे भी निपटना है, और इसलिए मिट्टी ज़्यादा हो जाती है गाड़ियों पर। तो भाई आगे गैरेज में गाड़ी खड़ी कर दी है बाहर। उबेश एक वीडियो बना दो यार मस्ती, मेरे को ज़रा अपनी गाड़ी का ना रिव्यू बताना है मेरे को कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आओ भाई पहले दिखा देते हैं और बता देते हैं। भाई गाड़ी जो है ना हमारी बाहर से पूरी कंप्लीट हो चुकी है, A to Z सारे काम हो चुके हैं, फर्स्ट क्लास हमारी गाड़ी रेडी है। बाहर से अगर आप लोग देखोगे ना, पीछे से भी इतनी सी भी लाइनिंग में या किसी भी चीज़ में ना कोई कमी पेशी बची नहीं है, मतलब कोई अगर आप ध्यान से देखोगे ना, और इधर आके बनाओ, ये अगर मेरी गाड़ी को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हाइट में वैसे थोड़ी सी भी लाइनिंग की भी भाई कोई इतनी सी भी कमी हमने पूरी गाड़ी में आगे से लेके पीछे तक नहीं छोड़ी है। तो हमारी गाड़ी बाहर से तो पूरी 0-0 कंप्लीट है। बस इसकी जो टेल लाइट है ना, ये टेल लाइट मैंने सोचा था कि चेंज कराऊंगा, तो टेल लाइट भाई थोड़ा रुक के कराऊंगा, थोड़ा बजट वाला इशू है ना, वो भी मेरे को देख के चलना। आफ्टर मार्केट डलवानी है मेरे को लाइट, अगर मेरे को वो वाली डलवानी होती जो सिग्मा में आती है तो मैं बहुत पहले डलवा चुका होता, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था ये वाली या वो वाली, तो मैंने ये वाली चूज़ करी। इसके बाद भाई अब हम आगे बढ़ चुके हैं इंटीरियर को लेके। इंटीरियर में अभी क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ जल्दी से। भाई इंटीरियर अपनी गाड़ी का देख लो। बुद्धि भैया गाड़ी बंद करने में मजा आता है तुम्हें, अपने आप ये हो रही भैया। अच्छा अच्छा, देखो भाई गाड़ी के इंटीरियर के जो पैड्स वगैरह ना सब चीज़ें लग चुकी हैं। ये डोर पैड है, और जो अंदर की ये बिडिंग विडिंग देख रहे हो मैंने नहीं मंगाई है, सारे गोले वोले जो होते हैं ना रबड़, ब्रांड न्यू इंस्टॉल कराऊंगा, क्योंकि मेरे को ना खटपट नहीं चाहिए गाड़ी में। देखो अभी भी बिल्कुल पैक आवाज़ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे को जो इसकी वॉइस, इसकी जो नॉइस है ना, इससे और अच्छी हो जाएगी, नॉइस कैंसिलेशन अच्छी हो जाएगी गाड़ी के अंदर। तो रबड़ मैंने नहीं मंगा दी, थोड़ी महंगी पड़ी, लेकिन भाई फॉर्च्यूनर में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना अपनी। ये डोर पैनल देख लो भाई, सारे के सारे डोर पैनल कितनी सफाई से लगाए गए हैं। ये भाई फॉर्च्यूनर का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। ये सारी अंदर चल रही है भाई ड्राई क्लीनिंग, और बस गोले वोले रह गए, गोले भी आने वाले होंगे थोड़ी देर में, वो भी लग जाएंगे। आज मैं अपनी गाड़ी का ना इंटीरियर पूरा कर लूँगा, इसलिए मैंने आज ड्राई क्लीनिंग का काम खिंचवा लिया। अब क्या है भाई, ये डोर पैनल में ना जो हमारे स्विचेज है यहाँ पे देखो आगे, ये स्विचेज भाई बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। ये शीशा ओपन बंद चालू होना, ये वो सब कुछ इससे ही चल रहा है। अभी गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर रखा है, क्योंकि बाहर चल रहा है भाई एसी का काम, ठीक है। एसी की मैंने इसकी कूलिंग कोयल और अपना कंडेंसर वगैरह सब चेंज करा दिया, प्रॉपर ओरिजिनल एसी का लगवा दिया, क्योंकि मेरे को चाहिए था न्यू मॉडल वाले फील हर चीज़ में। और इसकी जो फिटिंग है ना वो नए टाइम मेम्बर के ऊपर वो वाली आनी थी जो पुराने उसकी टाइम पुराने कंडेंसर की होती है, तो इसलिए मैंने इसमें कंडेंसर दूसरा लगवा के चेंज करा दिया, नए वाले का ही। वो पतला होता, छोटा होता थोड़ा, तो आराम से लग गया। अब इसमें कूलिंग की भी मज़ा आ जाएगा पूरा। और हमने छत के जो डक्टिंग होती है वो चेंज करके और छत के कपड़ा चेंज करके, एक बार पीछे से खोलना है गेट, फिर खोलो बुद्धि भैया। ये भाई अंदर की जो छत आप देख रहे हो ये हमने प्रॉपर तरीके से लगा दी है, और इसके अंदर भाई यहाँ हमारी लाइटों का पैनल वैनल सब आ चुका है। यहाँ ग्लास होल्डर वगैरह, सन ग्लास होल्डर वगैरह जो होता है वो भी आ गया। और पीछे मैंने यहाँ पे भाई कैप्टन सीटें यूज़ करी हैं। ये कैप्टन सीटें जो है ना, ये भाई इनोवा की ZX टॉप एंड वेरियंट की है, जिसके अंदर भाई पीछे मतलब आमरस आता है। ये शौक ना लोग ओरिजिनल जो फॉर्च्यूनर वाले होते हैं ना वो करते हैं, तो वो मैंने इसमें कर लिया। आगे के पिलर वगैरह देख लो भाई, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ओरिजिनल प्लास्टिक लगाना इंस्टॉल कर रहा है। और आगे की ना हमारी सीट बेल्टें रह गई हैं, बस सीट बेल्टें लॉक है, उनको रीसेट कराऊंगा, इस गाड़ी के हिसाब से कैलिब्रेट कराऊंगा, फिर लगाऊंगा। और एक बार ना इधर दिखाऊँ, कैमरा मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पे अपनी सीटें चेक कर लो कैसी लग रही है। अब पता क्या मेरे पास ये नए मॉडल की आ गई सीट, तो ये नए मॉडल की सीट वेंटिलेटेड है लेकिन इसका कलर अलग है, और जो साइड में पैनल में देखोगे ना और यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी देखोगे तो भाई इसमें ना पैनल में कलर अलग है क्योंकि ये दूसरी गाड़ी का था। तो मैंने क्या किया भाई, अब इसी कलर में मैं पूरा इंटीरियर बनवा रहा हूँ जहाँ जहाँ इसका लेदर है, तो वो लगेगा थोड़े टाइम में, और एक बार वाइड एंगल कर देता हूँ। और अगर आप गाड़ी की लुक देखोगे ना इंटीरियर की, भाई पूरी फिट एंड फिनिश 0-0 है। और हमने यहाँ पे ना ये देखोगे जो ओरिजिनल ट्विटर आता है सैश, हमने वो लगाया इधर भी, ठीक है। और सारी अंदर की जो कवर होते हैं भाई, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, बहुत गहराई में अपनी गाड़ी पे काम कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। और ये जो डैशबोर्ड का कान भी ये बिठाना है, ये ओरिजिनल कान है, मेरे को बिल्कुल 0-0 फिटिंग चाहिए थी, इसलिए थोड़ी मेहनत ना ज़्यादा हो रही है। अभी सिर्फ इसमें एक मीटर है जो पुराना है, इसको भी हम थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ, तुम्हें पता तुम्हारे भाई के चुल तो रहती है, छोड़ेगा तो कुछ भी नहीं। और यहाँ पे भाई जो ओरिजिनल इमोबिलाइजर आता है ना, वो मेरा फॉर्च्यूनर का पुराने वाले मॉडल का लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे भाई पुश बटन स्टार्ट लगाना है, इसलिए मैंने अभी इसको खुला छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई इसका कनेक्शन वनेक्शन ना सारे हो रखे हैं, देखो ये देखो, ये बिल्कुल परफेक्टली हो रखे हैं, ठीक है। ये देखो हर चीज़ चल रही है बिल्कुल ओके रिपोर्ट। लेकिन भाई इसको ऑपरेटिव तो कर दिया, अब भाई 7 DMAT का सेट आएगा और 2-3 चीज़ें आएंगी। डिग्गी हम यहाँ से ओरिजिनल स्विच पे करेंगे, यहीं से खुलेगी, ठीक है। उसके बाद भाई स्टीयरिंग का मैंने एयरबैग मंगाया, इसका ओरिजिनल लगाना है मेरे को। एयरबैग मेरे को वर्किंग चाहिए था तो मैं वर्किंग ही रखूँगा अपनी गाड़ी के अंदर। और यहाँ वाला ट्विटर सैश लग चुका है, अब वहाँ का लगेगा। और जितने भी ये सिल्वर चीज़ें इसकी देख रहे हो ना, अब ये सारी सिल्वर जो जहाँ ट्रिम्स आते हैं ये सारे सिल्वर भाई मैं पेंट कराऊँगा तरीके से, जो होने चाहिए। तो गाड़ी की ओवरऑल लुक बहुत एनहांस हो जाएगी। आज मेरी गाड़ी ड्राई क्लीन होकर ना 0-0 अंदर से बैठने लायक हो जाएगी, तो मैं कम से कम ना घुमा सकता हूँ मार्केट के एरिया में भी। और मेरे को ना थोड़ा, मैंने आपको बताया था बाहर लेके जानी है गाड़ी, तो मैं वो वाला काम भी निपटा लूँगा थोड़ा जल्दी से। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो वाला काम भी करा लें। और वे सिलेंडर आ गया बाहर, वो साथ जी का उतरवा लो। तो भाई यही कुछ सीन है। और अपनी वर्कशॉप पर भाई ये देखो एक वरना यहाँ चल रही है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई, पीछे से सारा कुछ हो गया और तरीके से देखो सारा सामान लग चुका। और एक भाई अपने यहाँ पे ये वरना डिलीवरी के लिए मैंने बताया था ना, एक गाड़ी डिलीवर करनी थी, वो वाइट वाली तो चली गई हमारे यहाँ से, उसकी वीडियो वगैरह सब परफेक्ट बन गई। अब भाई ये वाली डिलीवरी करनी है, इसमें अगर आप देखोगे ना डिग्गी वाली लाइट और ये वाली लाइट अलग है, तो हम ये वाली लाइट हटाएंगे और ये वाली लाइट पूरी कर देंगे। लेकिन ओवरऑल लुक देखोगे ना अब कि हमने इसमें शीशा भी डाल दिया न्यू मॉडल का, तो लुक भाई नेक्स्ट ही लेवल आ रही है शीशा डालने से। मतलब पीछे से ना आप कोई वैसे पहचान नहीं सकता कि इस गाड़ी को भाई ओरिजिनल है या कन्वर्ट करिए, क्या है क्या नहीं। और अभी ना सब कुछ खुला हुआ है, मतलब डिग्गी विग्गी है वो सब कुछ, बोनट बोनट ये खुला हुआ है, क्योंकि अभी गाड़ी की चल रही है भाई रबिंग, और इसके ऊपर ना पॉलिश लगा के छोड़ देंगे। जब डिलीवरी होगी तब ये पॉलिश उठाई जाएगी। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी, मेरे फ़ोन में ना इसमें बची थी 1% बैटरी, नहीं तो मैं रिकॉर्ड इसी से करता हूँ। अब मेरा फ़ोन मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ भाई 11 Pro Max से, तो थोड़ा सा क्वालिटी में आज कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा। बाकी एप्पल जो है ना कभी धोखा नहीं देता। और साइड में इधर देख लो भाई अपनी गाड़ी के, मैं ना इसमें चाह रहा था कि DRL वाली वो लगाऊँ इंडिकेटर, लेकिन वो अभी बजट इशू है तो इसलिए थोड़ा सा बचा के चल रहे हैं। और लेकिन ओवरऑल अब गाड़ी की भाई बाहर से फाइनली इतनी मेहनत और शिद्दतों के बाद ना गाड़ी हमारी बाहर से पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और कम से कम 80% इंटीरियर से भाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इंटीरियर और बढ़िया करने के लिए ना 2-3 मेहनतें चल रही हैं, वो भी हो जाएगी तो और दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आज ड्राई क्लीन हो जाए, फिर इसके भाई लेदर वेदर पेंट कराएंगे। ये बुद्धि भी हमारे ड्राई क्लीन करने वाले भाई हैं, ये हमारी सारी गाड़ियाँ यही ड्राई क्लीन करते हैं। जितनी अभी आप काली पीली देख रहे हो ना, अगले ब्लॉग में कल के दिन आपको बढ़िया मिलेगी। और मैं भी जा रहा हूँ भाई अपना शक्ल सुधार लो, क्योंकि कल गाड़ी हमारी अंदर और बाहर दोनों जगह से पूरी हो जाएगी, बढ़िया कच मज़ा आ जाएगा। और भाई हमारे फिर से भाई आए हैं मेहनत करके कहीं से, सारा सर्विस का सामान वहाँ पे जो आप वो देख रहे हो ना खड़ी जो थार है, इंजन सर्विस चल रही है और 2-3 बैटरी चेंज हुई है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। उस स्कॉर्पियो में मैं आया हूँ, तुमने ये देखा ही था, चाबी मेरे हाथ में। और अब मैं जा रहा हूँ भाई पोलो पे घर, और पोलो की चाबी देखो कहाँ रखी गया था मैं, ये देखो भाई सिस्टम, वाह ऐसा होता है भाई दुकान पे नास। ये भाई हमारे प्यारे लोग हैं जो बिल्कुल फ़ायदा कराते रहते हैं हमारा, तो ऐसे ही कोई गाड़ी यहाँ खड़ी करो, गेट फेट मारते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। लो बढ़िया हो गया भाई। तो भाई जो भी है वो नुकसान तो चलते रहते हैं, उसको तो ठीक करा ही लेंगे, अब कराना ही पड़ेगा क्योंकि भाई काम है। और भाई मैं जाऊँगा घर की तरफ, और मेरे को शक्ल वकल सुधारनी है, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए गाड़ियों पर ध्यान देते देते, डिलीवरीज के चक्कर में ना भाई अपना ही हुलिया बिगाड़ लेता हूँ मैं बहुत बार ना। और ये देखो भाई जेड ब्लैक रखते हैं ना हम गाड़ी को, जेड ब्लैक में ये दिक्कत रहती है। क्या हुआ, मैं तो जेड ब्लैक चला लेता हूँ, मेरे को आदत है, लेकिन पापा को इस चीज़ की आदत नहीं है, तो उनको ये मैंने इतनी सी ये इधर फिल्म उतार के दे दी थी। अब ये हटाऊँगा फिर से वंस अगेन। तो भाई हर बार वर्कशॉप पे ना इतने सारे कपड़े ले जाते हैं, मैं कपड़े भी ले आया था और ये देखो जूते एक पेयर भाई ये सब भी ले आया। पहले छोड़ूंगा घर पावर बैंक लीड वीड और उसके बाद जाऊंगा भाई कटिंग वटिंग कराने। पहले तो शक्ल तभी सुधरेगी भाई। पहले आ गया मैं घर और ये देखो मस्त राजमा चावल और यहाँ मेरा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है अब, ठीक है। गंदा हो गया भाई, मिट्टी मिट्टी से आओ ना यही हाल हो जाता है। और मिट्टी जब आओ ना ये देखो देख रहे हो ये हाल भाई, ये पूरे शरीर का ऐसे हो जाता है। यहाँ आके बस शक्ल धो घर आके और फिर खाना खाओ। और अब जाऊँगा भाई कटिंग वटिंग कराने, फिर सुधरेगी शक्ल। पहले मैं खा लूँ फिर कटिंग और फिर नहाने जाऊँगा और फिर तैयार होके फिर बाहर निकलूँगा फुल मस्त। सही है ना भाई, ऐसे ही होता है भाई, यही करना पड़ता है, ऐसी चलती है लाइफ। ये पड़ी पोलो की चाबी हमारी बेचने के लिए और ये पावर बैंक चार्ज पे लग रहे हैं। देखो ये फ़ोन लगा हुआ है, ये वाला पापा का फोन लगा हुआ है, यही है भाई, ऐसे ही है। मैंने कपड़े निकाल रहा था और ये देखो ये ना वाइट थी जब ये मतलब पूरा तैयार व्यार होकर महंगे कपड़े वपड़े ले लो जो भी ले लो। ये देख रहे हो हाल देखो, मतलब ये वर्कशॉप से लेके आया हूँ अभी मैं, मतलब बढ़िया कपड़े हैं ये, ठीक है। ये लेके इनका कुछ ऐसा हाल हो जाता है। अब डिलीवरी हो गाड़ी की या कुछ हो तो फिर तब भी काला पीला होना ही पड़ता है। और ये है भाई फराडा की शर्ट, पता नहीं किसकी थी वो, याद नहीं आ रहा। जो भी है इसका हाल देखो, मतलब ये हाल हो जाता है भाई कपड़ों का। और चलो जो हो गया हो गया, चले हम। तो भाई मेरी फेवरेट मूवी का वो आ गया एक गाना, ठीक है भाई, अब समझ में तो आई गया होगा। पुष्पा का गाना है अभी। कॉपीराइट आएगा या ज़्यादा दिखा दिया तो। और यहाँ पे देखो भाई रायता आ गया, रायता और भाई राजमा चावल देखिए। यहाँ भाई आ गई थम्स अप, ठीक है। सिस्टम हो रहा है, घर आओ ना खाना बढ़िया मिल जाता है। तो भाई मैं दाढ़ी वाड़ी तो कटवा नहीं पाया, ऐसी आ गए अभी भाई की रिसेप्शन में आना था। और ये देखो आदित्य भाई हमारे, नमस्ते भाइयों पैर छू के नमस्ते भाइयों। तो भाई अभी वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल। हम जरा पार्टी वार्टी एंजॉय करेंगे, शादी वादी में जाना था तो तैयार होना था लेकिन कर लूंगा पेट भी। तो ये कटिंग वटिंग कुछ नहीं कराई और बस ऐसे ही निकल आया। और कल भी आपको यही दाढ़ी देखने को मिलनी है। सो सैड, बाय। यहाँ तक वीडियो देख ले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।